पहली जो यह तबाही है हुकूमत में सियासत के तमाशे की गवाही है। लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न है। हालत यह है कि लोग अपने घरों में कैद है, कहीं घुटने से नीचे पानी तो कहीं कमर से ऊपर तक पानी। शहर का मुख्य मार्ग कला भवन रोड और शास्त्री नगर के लोग जल जमाव से 10 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। आज उनका धैर्य जवाब दे गया और लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। इस दौरान स्थानीय विधायक और नगर निगम को भी जमकर कोसा। पूर्णिया से सिटी हलचल के लिए विनीत राज की रिपोर्ट। शहर का मुख्य मार्ग थाना चौक से लेकर के और आरएनसा चौक के बीच का है। इसमें जो है बहुत बड़े बड़े यहाँ थाना है, नगर थाना है, महिला थाना है, एसबीआई क्षेत्र है, जिला उद्योग केंद्र है, बस यही गायत्री मंदिर है, पूरा पुलिस लाइन है, पूरा ही प्रशासन का जो है ना तो महकमा समाहरणालय है, कमिश्नर ऑफिस है, सभी है। यहाँ लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में नाला जो है सो बाहर बना दिया गया, जो मेल नाला को नई सफाई किया गया, जिसके कारण सभी मोहल्ला से पानी इकट्ठा होकर के और ये शास्त्री नगर, शिवाजी कॉलोनी और लंका डोला तीन मोहल्ला में आकर के पानी ऐसा जम गया है जहाँ से कि बाहर के लोगों को, घर के लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बूढ़े बुजुर्ग कभी भी डूब के मर सकते हैं, सांप बिच्छू का भी उतना ही प्रभाव है, पानी जो है सो उतना ही बदबू मार रहा है। बीमारी जो है आज सुबह में जो है सो देखा गया कि वार्ड आयुक्त अपने मोहल्ला में ब्लीचिंग पाउडर छिटवाए थे और आज तक ना तो यहाँ वार्ड आयुक्त आया है, न नगर मेयर आए हैं, न जो है सो नगर जो है आयुक्त आए हैं, न जो है विजय खेमका आया है, सांसद आए हैं, किसी का कोई भी बात नहीं। अभी कोई नहीं देखने आया है। आज 4 रोज से सुबह सुबह जब विधायक को फोन लगाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ आ रहे हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, विधायक क्षेत्र में गए हुए हैं, फोन ऑफ कर देता है। इसी स्थिति में अगर हम लोगों को अगर तुरंत निजात आज से कल तक में अगर तुरंत निजात नहीं मिला तो इससे भी भयंकर परिणाम हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, काहे कि हम लोगों का जीना दूभर हो गया है, घर के बच्चे लोग। कृष्ण कुमार सिंह, शास्त्री नगर, पूर्णिया। पूरे पूर्णिया में जो 10 रोजों से आज हाल है, पूरा पूर्णिया का जनता जो है इस पानी में बेहाल है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, जो वर्तमान विधायक हैं, वो एक भी तरह का काम पूरे पूर्णिया अपना सदर विधानसभा में नहीं किया। ये हाल यहाँ ही नहीं, ये गुलाब बाग का सबसे बड़ा मंडी, एशिया का जो सबसे बड़ा मंडी है, वो डूबा हुआ है। ये यहाँ जो है आपका कला भवन के पास जितने भी रोड हैं, सब रोड जो है पानी से लबालब भरा हुआ है। एक भी जनप्रतिनिधि ना तो देखने के लिए आते हैं और ना ही किसी तरह का काम हो रहा है। देख रहे हैं जलमग्न हो गया। पहले तो हम लोग कोरोना काल से लॉकडाउन में थे और ये जल लॉकडाउन हो गया हम लोग के लिए। तो हम विनम्र निवेदन करते हैं शासन और प्रशासन से और खास करके अपने जनप्रतिनिधि से कि वो इस तरह का प्रतिनिधित्व तो ना दे। ऐसी विषम परिस्थिति में नाले को, ड्रेनेज को साफ करवाया जाए जिससे कि शास्त्री नगर के रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। और एक बात हम कहना चाहेंगे, मतलब सांप निकलता है लोगों के घर में, पानी चली जाती है और ये इस क्षेत्र का सबसे पॉर्श एरिया है। आप स्टेट बैंक का जोनल ऑफिस देख रहे हैं, डीआरसी ऑफिस है, गायत्री मंदिर है, महिला थाना है, केहाट थाना है। अगर और इधर से हमारे जिला, इधर से कई बार बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी गुजरते हैं, कई बार हम लोग वहां तक अपना संदेश पहुंचा है लेकिन आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो मुझे एक लाइन कहना है कि चारों तरफ फैली जो यह तबाही है हुकूमत में सियासत के तमाशे की गवाही है। आप बार बार अभी देख रहे होंगे अलग अलग जगह पर फीता काटा जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उसको जन का ख्याल करना चाहिए। तो हम अपने शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन होकर शास्त्री नगर के तमाम लोग ये मांग करते हैं कि हम लोग का समस्या का समाधान करे, नहीं तो हम लोग इससे भी ज्यादा प्रचंड आंदोलन करेंगे। सोनू झा, विशाल इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतर शिक्षा, वो भी आपके बजट में। प्ले से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई, हॉस्टल फैसिलिटी लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, तो देर किस बात, जल्द आए और नामांकन करवाएं।